तो गाइज आज हम लोग करेंगे अपनी बाइक का फ्रंट ब्रेक का ब्रेक ब्लीड, ब्रेक ऑयल चेंज करना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले आता है, पहले भी था बट हाँ चलो चेंज करना क्योंकि पुराना हो चुका, 1.5-2 साल होने वाला है इसको। सो इसको चेंज करके हम लोग इसमें ये डाल रहे हैं रॉयल इनफील्ड का .4। बहुत सिंपल है ब्रेक ब्लीड करना, रिजर्वायर खोलो, जितना ऑयल है इसको बाहर निकाल दो कपड़े से डिप करके या सिरिंज से खींच के जैसे भी। उसके बाद यहाँ पर इसको लूज़ करके, इसको लूज़ करना है और इसको प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखो, लूज़ करो, ये बाहर आएगा। उसके बाद फिर से उसको टाइट करो, नया ऑयल डालते जाओ, फिर से उसको लॉक करो, लॉक करके इसको दबाते जाओ जैसे टाइट हो, फिर से उसको खोलो, फिर ऑयल बाहर आएगा। ये प्रोसेस रिपीट करना जब तक नया ऑयल नहीं आ जाता इसमें से, वापस से उसमें से निकलना नहीं लग जाए। अभी करके दिखाता हूँ, ये बस नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के लिए है। देखो गाइस ऑयल कितना काला हो गया है, दिख रहा है, नया ऑयल दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, इसमें से सारा जो ब्रेक ऑयल फ्लूड था वो इसमें निकाल लिया मैंने, इस बॉटल में। ये देखो, ये पाइप से मतलब मैं खींच के निकाल लिया, मतलब इधर से मुँह से खींचो, पाइप में स्टोर करके, लंबी पाइप थी तो पाइप में स्टोर हो गया फिर निकल गया बाहर। ये देखो कितना गंदा है। अब इसमें फ्रेश ऑयल डालता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो देखो गाइस ये खाली हो गया। अब जो है 8 नंबर का स्पैनर लगेगा आपको ये बोर्ड लूज़ और टाइट करने के लिए। कोई पाइप हो तो ऐसा ले लेना, पेट्रोल पाइप मिलता है बाइक के रिपेयर शॉप में, वो ले लेना, लंबी लेना थोड़ा। अब मैंने इसको स्पैनर यहाँ लगा के ये पाइप जो है ऐसे डाल दिया और ऐसे बॉटल में डाल दिया है। अब मैं इसको लूज़ करूँगा तो ये जो ऑयल है सीधा इसमें से होता है वो इसमें चला जाएगा, कहीं ड्रिप नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ड्रिप होगा ना तो आपका पेंट उखाड़ देगा वहाँ से। यहाँ पर भी मैंने ये लगा के रखा क्योंकि अगर ये ड्रिप हुआ पेंट उखाड़ देगा सीधा, बहुत हार्ड होता है वो। तो अभी इसको फिर लूज़ करेंगे, कोई है नहीं और साथ में, नहीं तो मैं दिखा देता, इसको लूज़ करना है, फिर लूज़ करके इसको दबाना है, निकलेगा उसका सॉरी इसमें नया ऑयल डाल देना है, अभी नया ऑयल डाल के उसके बाद लूज़ करना है, नहीं तो एयर चला जाएगा। हाँ नया ऑयल डालना है इसमें, ठीक है। नया ऑयल जब भी लो देखो कितना साफ़ है, और ये देखो सील वैसे लेना, मेरा वाला भी सील था, सील अभी जस्ट खोला और देखो कितना साफ़ है ये वाला ऑयल। स्टार्ट करते हैं। तो भाई मतलब वैसे ही पाइप लगा के मैंने बॉटल में करके सब निकाल दिया, अब फ्रेश ऑयल आ चुका था उसमें से, वीडियो नहीं बना पाया सॉरी। और अब मतलब इसकी ब्रेकिंग है अब एकदम मस्त, पूरी टाइट चल रही है, पहले तो एकदम चिपक जाती थी इस पर। और एक चीज़ मैंने देखी, मतलब मेरी बाइक खड़ी थी बहुत दिन से तो अभी मैंने नोटिस किया, ये देखो यहाँ पे देखो डिस्क पैड का पूरा छापा पड़ गया इस पर, वो भाई सीरियल नंबर के साथ पड़ गया छापा यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, अब टाइम नहीं मिलता चलाने का, ठीक है चलो मिलते गाइस। और बाय द वे ये मेरा क्लिनिक एरिया था, इस लाइटिंग अच्छी है और फैन है इसलिए यहाँ पे आ गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलो टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ़।